गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी विद यू फॉर दिस फ्यू मिनट्स सुप्रभात मेरे भाइयों और बहनों और आज की सुबह के मनन के समय के लिए आपके बीच होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एंड इट्स नाइस टू हैव पास्टर महेंद्र आफ्टर अ फ्यू वीक्स और ये एक आनंद की बात है कि कुछ हफ्तों के बाद मैं फिर से वापस सिंचाई में आने पाया

इन क्राइस्ट और ये जो परमेश्वर का वचन है और ये जो वचन आज की सुबह में आपको दूंगा ये हमें बताएंगे कि कौन हम हैं या कौन प्रभु मसीह हमारे जीवनों में है स्क्रिप्चर्स आर द आवर फूड टू फॉर आवर फेथ टू इंक्रीज एंड ग्रोथ और आज की सुबह मैं इसलिए परमेश्वर के वचनों को आपको दे रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वचन ही है वर्ड ऑफ गॉड इन chapter चैप्टर verse 17। और परमेश्वर के वचन को रोमियों की पत्री उसका दसवा अध्याय और सतवें वचन में अगर हम देखें, Faith comes from hearing। और विश्वास तो आता है सुनने से मैसेज ऑफ गॉड और परमेश्वर के वचन को सुनने से एंड द मैसेज इज हर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट और ये जो वचन है या संदेश है ये हमें सुनने के लिए मिलता है परमेश्वर के वचन से एन सो हियर वी गो कोटिंग सेट एनिप्ट और यहाँ पर मैं कुछ वचनों को आपको देना चाहूंगा वट आर माई इन क्राइस्ट की मैं प्रभु यशु मसीह में कौन हूँ

उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता हूं जो हर एक बात को परिपूर्ण बनाता है और भरे हुए हैं नाउ माय फ्रेंड्स इट इज वन थिंग फॉर जीसस क्राइस्ट टू मेक आज विथ वाट एवर ही हैज अकॉर्डिंग टू हिस्स लाइफ और यह तो एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो बनाना चाहे जो कुछ उसके जीवन में था एंड द स्क्रिप्चर स्पीक्स टू अस और ये वचन हमसे बात करता है नाउ व्हाट व्हाट डू 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 इट ऑल डिपेंड्स ऑन वी विद द स्क्रिप्चर और ये सारी बातें इसी पर निर्भर है कि हम वचन के साथ क्या करते scriptures हैं स्क्रिप्चर्स आर गिवन फॉर आवर बेनिफिट क्योंकि ये वचन तो हमारे लाभ के लिए दिए गए हैं सो इट इज फॉर अस टू बिलीव व्हाट द अब से और इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम विश्वास करें कि uh, वचन जो कहता है

एवरी थिंग इन एवरी और इस वचन में लिखा हुआ है कि मैं उसकी से परिपूर्ण बनाए हुए और वचन ये भी कहता है कि मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं Why? क्यों? Within me. is Christ Jesus. क्योंकि मेरे भीतर प्रभु यीशु मसीह है. So in First John chapter four verse four verse four says. और इसीलिए पहला यहूदा पहला अध्याय चौथे वचन में लिखा है. He who is within me is greater than he that is in the world. कि जो मेरे भीतर है वो उससे जो संसार में है कहीं ज़्यादा सामर्थी है. Now as I quote these scripture verses. और जैसे कि मैं इन वचनों को आज की सुबह आपको बताता हूँ. Please write these references. करके इन वचनों को आप लिख लें टुडे बिफोर यू पहले कि आप, आप ध्यान पूर्वक इन वचनों को पढ़ें दिस इज व्हाट यू आर और यही आप हैं एंड सो बिकॉज जीस लिवस विद इन मी इज ग्रेटर देन द हु इज इन द वर्ल्ड

It has started a year ago और एक साल पहले जब इस कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई it has gone through several transformations और कई सारे बदलावों से होकर करके ये संक्रमण आगे बढ़ता चला गया now the second wave is going on अब जो है दूसरी लहर इसकी चल रही है and the third wave is following और जो तीसरी लहर है वो आने को ही है जितनी बार ये लहर आती है उतनी बार ये बड़ी तेजी से और बहुत ज्यादा लोगो को मृत्यु दे जाती है इफ यूर और इसलिए अगर आप डरे हुए है राइट ऑन दिस रेफरेंस रीड साम नाइंटी वन इन वचनों को लिख ले कृपया करके भजन संहिता उसका इक्यानवे पढ़े यू मै सर्टनली रीड इट

पावर सामर्थ अथॉरिटी अधिकार डोमिनियन और हर एक बात के ऊपर प्रबलता एवरी टाइटल इन हेवन और स्वर्ग का हर एक उपाधि अर्थ और जो पृथ्वी पर पाए and जाने वाली अर्थ और पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाली टू जीसस क्राइस्ट हर एक उपाधि को प्रभु यीशु मसीह को दे That दिया according गया अकॉर्डिंग टू द गॉस्प अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर्स एट वर्सटी टू ट्वेंटी रचित सुसमाचार उसका अठाईसवा अध्याय सोलवे वचन से लेकर के 20वें वचन तक चैप्टर वन वर्स 20 उसके बाद इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 21वां वचन नाउ इफ एवरीथिंग इज इन जीसस क्राइस्ट और यदि मान लीजिए हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में है चर्च बीइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और कलीसिया जो कि यीशु मसीह की, मसी की देह है दे आर देयरफॉर Given to me as well. तो ये याद रखिये जबकि हम कम ये शु की दे है ये बातें हमें भी दी गई है the, the, All are under the feet of Jesus. और की पत्री में ये लिखा है कि सारी बातें यीशु के चरणों के नीचे पार्ट ऑफ द चर्च और अगर मैं भी कलीसिया का एक भाग हूँ चर्च इज द बॉडी ऑफ Christ. और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है and a feet being the lowest part of a human body. और जबकि हम जानते हैं कि ये पैर मनुष्य के जो मान, मानव का जो शरीर है उसके निचले स्तर पर पाए जाते हैं All these blessings.

एवरी थिंग नीडफुल उसके स्वर्गीय सामर्थ्य ने हर एक उस बात को मुझे दिया है जिसकी आवश्यकता मुझे है फॉर मी टू लिव गॉली एंड होली लाइफ ताकि मैं एक भक्तिमय और पवित्र जीवन को जीने पाऊ एंडोर और इसलिए I should not have to struggle or worry about how to live godly life, how to live holy life। तब मुझे ये उसको रहने की आवश्यकता नहीं कि मैं कैसे एक भक्ति में या कैसे एक पवित्र जीवन सेडफुल Given to और पत्रस पर कहता है हर एक वो बात जो मेरे लिए यहाँ पर दी गई है ताकि तुम एक भक्तिमय और पवित्र जीवन जी पाओ वो तुम्हें दिया गया क्वेश्चन है आप इसे कह ग्रहण करते हैं मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ की इस वचन को अपने जीवन में लागू करने और इसके अनुसार अनुसारी आई और मेरे पास वो सामर्थ है। और जिसको हम देखते हैं युना रचित सुसमाचार उसके सोलवे अध्याय बारहवे वचन से लेकर वचन। words. और यीशु ने ये अपने शब्दों में कहा इस कम्स यू एम्पावर यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो तुम्हें परिपूर्ण बनाएगा तुम्हें योग्य बनाएगा ही गाइड्स मी और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा ही ऑल्सो इज माई कम्फर्ट और वो तुम्हें सद्भावना देगा देरफॉर इसलिए आई डोन्ट है स्ट्रे मुझे भटकने की आवश्यकता नहीं नॉर्मिलाई बी मिस गाइडेड और ना ही मेरा इधर उधर मुझे जाने की आवश्यकता क्योंकि पवित्र आत्मा मार्ग को जानता है he will not miss any turn, और वो किसी मार्ग में हमें भटकाएगा ही विल नॉट मिसी और हमारा इधर उधर हमें गलत मार्गों पर नहीं Because ले जाएगा he is God. क्योंकि वो तो परमेश्वर है स्ट्री Way. और वो तो चाहता है कि उसके लोग सीधे मार्गों पर चले एंड ऑफ गॉड इज माई माई फीट और परमेश्वर का वचन मेरे पग के लिए एक चिराग है एंड अट माई पार और मेरे मार्ग के लिए so, I सो आई डोंट stumble. और इसलिए मुझे लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं Psalm number 119 और भजन 119 Verse, verse 103 और उसका मेरे मित्रों देखे किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक बात को हमारे लिए मुहैया कराया है 8, 31 32, और उसके बाद रोमियो की पत्री उसके आठवें अध्याय 31वें और 32वें वचन में एंड आल्सो वर्स 37 और उसके बाद साथ ही साथ 37वें वचन में सेज आई एम मोर देन अ कॉनकरर वहां पर लिखा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर के हूं इन ऑल दीस सरकमस्टेंसेस एंड एडवर्सिटीज और इन सारी परिस्थितियों और परेशानियों में आई एम मोर देन अ कॉनकरर मैं एक जयवंत से भी बढ़कर के हूं एंड देन इन

मैं खाने के बिना या बड़ी किसी बहुत बड़ी आवश्यकताओं के बिना भी महंगी चीजों के बिना भी रह सकता so Apostle Paul said, और इसलिए पॉलिस प्रेरित कहता है आई नो हाउ टू बी कंटेंट विथ ऑल सिचुएशन और पॉलिस कहता है मैं तो ये जानता हूँ कि कैसे हर एक परिस्थिति में संयम को बना करके चलना है in abundance, और चाहे वो बहुत आयत का समय हो in, in और चाहे वो कुछ भी ना हो तब का समय हो I, 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 इट डज इन मेक एन ये मेरे लिए कोई अंतर नहीं He is my all sufficiency. वो तो मेरे लिए हर एक रूप से पर्याप्त है And so according to this Philippians 4:19 it says he is my strength. और इसलिए फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय 19वें वचन के अनुसार वो मेरा सामर्थ है And then in Ephesians chapter 1 verse 19 और उसके says, बाद इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19वें वचन में I have the resurrection power itself active and alive within me और मेरे भीतर वो पुनरुत्थान का सामर्थ, जीवित और कार्यरत है it says the same power और वो कहता है कि वही सामर्थ। that god the father exerted when he raised his son jesus from the dead जिसका प्रयोग पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने के लिए किया that power वही सामर्थ व्हाट इज दैट पावर और वो सामर्थ्य पावर और वो है पुनरुत्थान का सामर्थ वही सामर्थ आपके भीतर और मेरे भीतर भी जीवित है और कार्यरत है इज 119 और वो है फीसियो की पत्री पहला अध्याय उन्नीसवा वचन दिस पावर इज ऑल कॉन्ग और ये सामर्थ हर एक बात में विजयी बनाता है सी फॉर द क्रिएशन ही क्रिएटेड एवरीथिंग बाय द पावर ऑफ हिज वर्ड और इस संसार में अपने वचन के द्वारा हर एक बात को उसने बताया क्रिएशन इजन ऑफ गॉड्स माइटिंग और याद रखिए ये सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ्य के एक दृश्य है बट द रेसरेक्शन पावर इज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पावर लेकिन पुनरुत्थान का सामर्थ परमेश्वर की महान सामर्थ का एक प्रकटीकरण है एंड लास्टली और अंतिम में I have His grace. मेरे पास उसका अनुग्रह है. A divine grace. उसका देवीय अनुग्रह. What is this grace? और ये अनुग्रह क्या है? It is a saving grace. और ये बचाने वाला अनुग्रह है. It's keeping grace. और ये रखने वाला अनुग्रह है. इसलिए आई कैनोट बी डिफीटेड मैं हराया नहीं जा सकता आई स्पीक टू ऑल ऑफ यू हुर फॉलोइंग जीसस क्राइड मैं आप में से हर एक से बात करता हूँ जो प्रभु येशु मसीह के पीछे चलते हैं Then, in, uh, Ephesians chapter 6, और उसके बाद इफिस की पत्री उसके छठे अध्याय में ही उसने मुझे एक रक्षा कवच दियाट आर्मर्ड एक पूरा रक्षा कवच दैट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम टू फीट जो मुझे सर से लेकर के पांव तक बचाएगा। so और इसलिए बचाए कि परमेश्वर के पूरे रक्षा कवच को पहन करके और की पत्री उसके छठे अध्याय में मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सब ने इन वचनों को लिखा है। इट बिफोर यू स्लीप रीड केयरफुली और आज के दिन इससे पहले कि आप सोएं इन वचनों को ध्यान पूर्वक आपको आपको आशीष करेंगे और 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 आप एक और एक defeated, और आप एक एक जयवंत विजयी हैं क्योंकि हारने की आवश्यकता नहीं अगर हरा दिए जाते तो कोई ऐसा नहीं जिसको आप उंगली उठाकर दोषी ठहरा सके यू है आपको खुद को दोषी ठहराना होगा बिकॉज गॉड विटोरियसली Has provided everything you need. क्योंकि परमेश्वर ने हर एक उस बात को मुहैया कराया है जिसको आपकी आवश्यकता है कि आप एक जयवंत जीवन जी पाए पा ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीषादर स्वर्गीय पिता ऑलर्स और सारे सुनने वाले मैं स्टैंड ऑन दीस

And no sorrow. और कोई शोक हमारे दिलों में ना गॉड ब्लेस एवरी वन परमेश्वर आप सबको आशीषी यीशु के नाम में आमेन आमेन